अब जो मीठी चीज है वो है बंगाल का संदेश, और ये संदेश जो है मीठा नहीं, मीठा तो है लेकिन चीनी नहीं है। अब बिना चीनी के मीठा कैसे, शहद भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, क्या है? खैर मैं बताऊंगा कैसे इसे बनाना है। सबसे पहले आप दूध ले लें, और ये जो दूध है ये छेना हमने बनाना है। गाय का दूध लेंगे तो बहुत अच्छा छेना बनता है, तो दूध को गर्म करना है। अब जो छेना है वही संदेश की खासियत है। अब छेना बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, और ज़्यादा नहीं फाड़ें, मतलब एकदम प्यार से फाड़ना पड़ता है दूध को। और क्योंकि अगर छेना हार्ड हो जाएगा तो पनीर बन जाएगा, फिर संदेश में मज़ा आएगा ही नहीं। अब क्या करना है आपको, ये जो ऑलमोस्ट इंस्टेंट संदेश है उसके लिए ये हमने दूध को गर्म कर लिया, और उसके बाद ये है मेरे पास वही पनीर का पानी। इससे फाड़ेंगे तो अच्छा फटेगा, नहीं तो लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है दूध का वो भी बहुत तेज़ ना रखें। एक बार गर्म हो गया उसके बाद आंच कर दी कम या बंद, और फिर ये डाला पनीर का पानी। अब आप देखिए ये जो दूध है ये किस तरह से धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है। बस अब इसे आप चलाते रहें, और दूध में से ये पनीर जो है ये धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। अब देखिए ये जो दूध है इसमें से जो छेना है वो अलग और पानी अलग। इसको निकाल लेते हैं हम, ये देखिए, और अब इसका पकना हमने बंद करना है, तो उसके लिए ठंडे पानी के अंदर। इससे क्या होगा, इससे जो पनीर है वो पकना बंद हो जाएगा और टफ होना बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें से जो पानी है वो हमें निकालना है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप पानी इसमें से निकाल लें, और ये छेना तैयार। ये देखिए ताज़ा ताज़ा छेना तैयार। और इसके बाद जैसे ही ये छेना तैयार हो इसे हमें हाथ से मसलना है। ये देखिए ये ताज़ा छेना, इमीडिएटली आप इसे मसल लें। और अब इसमें हम डालेंगे ये शुगर सब्स्टिट्यूट सुक्रलोज। ये जो है चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अब ये लीजिए, इसे ज़रा हम मिला देते हैं अच्छी तरह से, और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा गुलाब जल, और एक बार फिर इसे मसल दिया। ये लीजिए, अब ये लिया छेना जिसमें हमने डाला है सुक्रलोज आर्टिफिशियल स्वीटनर, और उसके बाद ये गोल कर दिया, और चाहें तो इसके ऊपर रखें ये पिस्ता। तो लीजिए ये तैयार हो गया आपका संदेश बिना चीनी का। नहीं नहीं, मीठा तो है लेकिन चीनी के बिना सुक्रलोज के साथ। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर गाय का दूध, दूध फाड़ने के लिए 1 कप पनीर का पानी, मीठा करने के लिए शुगर सब्स्टिट्यूट स्वादानुसार, कुछ बूंदे गुलाब जल की, और 20 पिस्ते ब्लांच किए हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में दूध को उबाल करके इसमें पनीर का पानी डालकर इसे फाड़ लें। अब इसे एक मसलिन क्लॉथ से छान कर तुरंत ठंडे पानी में डालकर कुछ देर तक रखें, और फिर इसे दबा कर इसमें से पानी निकाल लें। इस तैयार छेना को एक टेबल टॉप पर डालकर इसे हथेली से अच्छी तरह से मसल कर महीन कर दें। अब इसमें शुगर सब्स्टिट्यूट और गुलाब जल डालकर मिलाएं, और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएं, और फिर इसके ऊपर पिस्ता लगाकर इसे सजाएं और सर्व करें।